इसका अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट टाइप के हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, ये याद रखिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित हो। देखिए यहाँ पर आया एक्स अक्ष पर एक बिंदु बताना है अपन को जो इससे और इससे दोनों से समान दूरी पर है। तो हमें एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लेना है। एक्स अक्ष पर बिंदु हमेशा कैसे माना जाता है? जो बिंदु एक्स अक्ष पर होते हैं उनके लिए वाई निर्देशांक 0 होता है, ठीक है? और जो वाई निर्देशांक पर होते हैं, वाई अक्ष पर होते हैं, उनके लिए एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ सुनिए, एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वो हमेशा किस तरह का होगा? दिमाग में याद रखिए, एक्स कॉमा 0, उसके लिए एक्स वाला निर्देशांक एक्स है, लेकिन वाई वाला निर्देशांक उसके लिए क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना? तो ये एक्स कॉमा 0 होता है। तो आपको याद रखना है, अगर यही क्वेश्चन वाई अक्ष के लिए आ जाए, यही सेम क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर वाई अक्ष आ सकता है, बस इतना डिफरेंस हो सकता है। तो वाई अक्ष आ गया अगर, तो आप बिंदु एक्स कॉमा 0 नहीं लेंगे, फिर आप क्या लेंगे? 0 कॉमा वाई लेंगे। क्या लेंगे? 0 कॉमा वाई, ठीक है? और एक्स अक्ष तो क्या लिया जाएगा? एक्स कॉमा 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स कॉमा 0 है, ठीक है? क्या मान लिया हमने उस बिंदु को? एक्स कॉमा 0 मान लिया। तो एक्स कॉमा 0 बिंदु है, तो हमें दिया गया है कि इस बिंदु की दूरी इन दोनों बिंदुओं से समान है। ये दोनों बिंदु मैंने मान लिया, ये रहे, ये बिंदु मान लिया, ये -2 -5, और कोई मैंने एक और बिंदु बी मान लिया, ये 2 कॉमा -3, इनके नाम भी दिए गए हैं, मैंने मान ली है ए और बी। तो इसका नाम मान लेते हैं पी। एक्स अक्ष वाला जो बिंदु है उसको मान क्या मान लिया मैंने? पी। तो ये कह रहा है इसकी इससे और इससे दोनों से दूरी समान है। एक्स अक्ष वाले बिंदु की इससे और इससे दोनों से दूरी कैसी है? समान है। यानी जितनी पी ए है उतनी ही पी बी है, जितनी पी ए है उतनी ही पी बी है। तो एक बार तो हम निकाल रहे हैं पी ए, क्या निकाल रहे हैं? ये पी ए, और एक बार क्या निकाल रहे हैं? पी बी। और क्योंकि ये दोनों समान है, सम दूरस्थ है, समान दूरी है, इसीलिए दोनों को क्या रख देंगे? बराबर रख देंगे। तो पी ए निकाल रही हूं मैं आप लोगों के लिए। पी ए बराबर, दूरी का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, दूरी का सूत्र आप लोग पहले क्वेश्चन में जरूर लिख करके आए, क्योंकि इसके मार्क्स अलग से मिलते हैं। x2 -x1 का होल स्क्वायर + y2 -y1 का होल स्क्वायर, जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें से कुछ थोड़े से मार्क्स, हाफ मार्क्स, 1/4 मार्क्स आपका फॉर्मूले का होता है, ठीक है? तो अब आप पी ए करेंगे। पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट में x2 -x1 का होल स्क्वायर। तो पी और ए के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए ये जो पी है, ये जो एक्स वन वाई वन हो गया, ये तो हो गया पी वाला एक्स कॉमा 0, ठीक है? और x2 y2 क्या हो गया? ए, यानी कि -2 -5, ठीक है? तो इसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए जरा ध्यान से कैसे करेंगे। पी ए बराबर x2 -x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1, y2 कितना? -5 -0 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर करिए, होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलना पड़ेगा। अब आप देखेंगे माइनस माइनस तो बड़ा कैसे करें, तो फिर क्या करना है आपको? माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में से। जब माइनस बहुत बाहर आ जाता है तो माइनस, क्योंकि स्क्वायर में से कॉमन लिया जा रहा है, तो -1 का क्या आएगा? स्क्वायर ही बाहर आ जाएगा। तो अंदर हो गया 2 + x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखिए -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा ओपन करके रख लीजिए, -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 + x का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b, ठीक है? प्लस -5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस में हो जाता है, ठीक है? ये चीज आ गई अपने पास। इसको एक बार और ओपन कर लेते हैं थोड़ा। चलिए ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 + x² + 4x + कितना है ये? 25, ठीक है? चलिए यही रहने देते हैं।
आगे अपन लोग अब क्या निकालते हैं, पी ए निकाल लिया, अपन क्या निकालते हैं पी बी। तो पी बी निकालने के लिए मैं यही निकाल देती हूँ पी बी, ठीक है। पी बी निकाल रहे हैं तो एक्स वन वाई वन हो गया पी, यानी कि एक्स कॉमा जीरो, और पी बी निकाल रहे हैं ना तो यानी एक्स टू वाई टू क्या हो जाएगा बी वाला। पी बी निकाल रहे हैं तो पी तो हो गया एक्स वन वाई वन और बी हो गया एक्स टू वाई टू, तो बी कितना है 2 कॉमा -3। तो फॉर्मूले में रख दिया हमने पी बी निकाल रहे हैं, पी बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -3 - 0 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करती जानी है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 - x का होल स्क्वायर है तो a - b के होल स्क्वायर से खुलेगा, 2 का स्क्वायर 4 + x स्क्वायर - a² + b² - 2ab, 2 2 = 4, 4x, ठीक है। प्लस -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ 9। तो ये आपके पास आ गया x² - 4x, 9 और 4 कितने हो गए ये 13। तो ये आ गया है पी बी और ये आ गया है पी ए। अब पी ए एंड पी बी शुड बी इक्वल, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि ये कैसे हैं, समान दूरी पर हैं। तो पी ए और पी बी क्या होना चाहिए आपस में, बराबर होने चाहिए। तो मैं यही नीचे ही कर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए दोनों को हम पी ए बराबर पी बी बराबर रख देते हैं, तो अंडर रूट में यहाँ पर है अपने पास 4 और 25, ये कितना था 29 था ना, तो 29 + x² + 4x बराबर, यहाँ पर देखिए x² - 4x + 13, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्क कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है ना। तो अपने पास आ गया ये x² + 4x + 29 बराबर ये x² - 4x + 13, x² से x² कैंसिल, ठीक है। प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, प्लस का 4x है, माइनस का 4x है, जब -4x + 4x के पास आ जाएगा तो ये भी प्लस का ही 4x बच जाएगा और उधर हो जाएगा 13 - 29, तो ये कितना है 8x। ये कितना बचा अपने पास माइनस का बताइए, 16। तो x = हो गया -16/8, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, x की वैल्यू कितनी आई -2। x अक्ष पर वह बिंदु पूछा गया था हमसे, हमने माना था x, 0 है, यानी कि -2, 0 है कि x अक्ष पर बिंदु है। दिस इज योर आंसर। दूरी के सूत्र वाले अनुप्रयोगों में से एक क्वेश्चन ये किया सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है आपके लास्ट वाले लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में 2018 वाले में आ चुका है आपके। ये सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं आपको, ये एक आयत के शीर्ष है, ये सिद्ध करना है। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी एक थ्योरी आपको बताना चाहूंगी चीजों की, कि आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग, अगर इस तरह का आ जाता है आपके पास, भाई आयत के शीर्ष वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें आयत की जगह पर वर्ग भी आ सकता है, समचतुर्भुज आ सकता है या समांतर चतुर्भुज आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको सभी के लिए कर पाओ आप इस क्वेश्चन को, तो इसलिए मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ। देखिए यदि हमारे पास समांतर चतुर्भुज बोला जाए, क्या बोला जाए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम, तो अगर पैरेललोग्राम अपन को बोला जाए तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम एक ऐसा 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी ये दो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई और ये वाली भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है ना। तो
तो यानी आपको अगर यही क्वेश्चन आपको समांतर चतुर्भुज के लिए पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ये आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, मतलब आपको चारों बिंदु दिए हुए हैं, तो आप ए बी दूरी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। अगर दो दो दूरियां बराबर आ जाती हैं आपकी तो हो सकता है कि ये समांतर चतुर्भुज हो। ठीक है, अब अपन आगे क्या करेंगे कि इसके विकर्ण भी निकालेंगे, ए सी भी निकालेंगे और बी डी भी निकालेंगे। यदि हमारे पास भुजाएं तो बराबर आ गई थी आमने सामने की दो दो, लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दूसरी बात आयत, दूसरी बात क्या है आयत, यानी कि रेक्टेंगल प्रूफ करना हो अगर, तो रेक्टेंगल करना हो तो उसमें क्या करेंगे आप लोग पहले कि अगर आपके पास क्या हुआ कि आमने सामने की भुजा भी बराबर आ गई आपकी और विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर आ गई, तो फिर इसका मतलब क्या है, ये आयत है। यानी इसमें जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर। आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होती है। अब अगला है क्या, वर्ग। वर्ग में क्या होता है, वर्ग से पहले हम लोग एक चीज देख लें, सम चतुर्भुज देख लें। क्या देखें, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज को कहते हैं रॉम्बस। तो सम चतुर्भुज क्या कहता है कि यदि आपके पास चारों ही दूरियां बराबर आ गई, यानी चारों भुजा बराबर आ गई, चारों भुजा बराबर आ गई, परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं आए, विकर्ण बराबर नहीं आए, तो वो क्या होता है, सम चतुर्भुज। यानी इसकी चारों भुजा कैसी होती है, बराबर होती हैं, परंतु विकर्ण जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, चौथी चीज है आपके पास क्या होता है, वर्ग, यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर के लिए अगर आ जाए तो स्क्वायर के लिए आपकी चारों तो भुजा बराबर आएंगी बिल्कुल, ठीक है, और इसके विकर्ण भी एग्जैक्टली बराबर आएंगे, बिल्कुल बराबर आएंगे। तो अपन क्या कहेंगे, इसके चारों भुजाएं तो बराबर है ही है, विकर्ण भी इसके कैसे आने चाहिए, बराबर। तो ये चार तरह की चीजें आ सकती हैं आपके, मैं चारों के बारे में मैंने बता दिया। समांतर चतुर्भुज के लिए आपके लिए दो भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की दो दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अगर विकर्ण भी बराबर हो गए तो वो आयत है, यदि चारों भुजाएं बराबर आ गई आपस में एक दूसरे के तो वो क्या है, सम चतुर्भुज, लेकिन इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। अगर चारों भुजाएं भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वो क्या है, फिर एक वर्ग है। तो हमें इसमें क्या करना है, आयत के शीर्ष है, आयत के शीर्ष होने के लिए यदि इन बिंदुओं को हम मान लेंगे ए बी सी और ये डी, एक बार ए बी दूरी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार सी डी निकालेंगे, एक बार ए डी निकालेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास आयत है तो ये दो दो दूरियां बराबर आनी चाहिए। तीसरी चीज, दूसरी चीज, आयत में विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसीलिए हमें एक बार हमें ए डी ए सी निकालना है विकर्ण, और एक बार बी डी विकर्ण निकालना है। अगर ये दोनों भी बराबर आ गए तो क्या है, ये आयत है, अगर नहीं आए तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाए। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये चारों एक आयत के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक आयत टाइप का बना लीजिए आप तो पहले से, ठीक है, और इसमें नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। वैसे आप हमेशा याद रखिए, जब भी एक डायग्राम बनाया जाता है तो नेमिंग हमेशा नीचे से की जाती है, ठीक है ना, और साइक्लिक ऑर्डर में ही करते हैं। तो ए बी सी डी इस तरह से, ए का अपन को दे दिया, अपन ने माने -2 -1, उसके बाद सेकंड वाला इसके जस्ट साइड में लिखेंगे -1 1, फिर उसके बाद जस्ट वन नेक्स्ट वाला लिखेंगे 5 -2, फिर उसके नेक्स्ट लिखेंगे 4, -4। अगर आप कहीं भी कोई सा भी लिख देंगे तो आंसर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए एकदम लगातार एक ही ऑर्डर में लिखना है, -2 -1, फिर उसके बाद -1 1, फिर उसके बाद 5 -2, और फिर उसके बाद 4 -4। ठीक है, अब आप क्या करिए, डिस्टेंसेस निकालिए, दूरियां निकालिए। तो ए बी निकालिए अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अपने पास कितना,
ये हो गया 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, अंडर रूट 5 आ गई। ठीक है, निकाल लेंगे इस तरह से। अब आप निकालिए BC, BC हम लोग निकालेंगे इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये हो गई है y x2 माइनस x1 5 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस -3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये वो दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 45। 45 को अपन 9 5 45 करते हैं, कितना आ गया 3 रूट 5। ठीक है, फिर ABBC हो गया। अब आप लिखिए CD, अब आप क्या निकालेंगे CD, C और D के बीच का निकाल रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया कितना, यहाँ देखिए 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 5। अब अपन लोग निकालते हैं DA, AB निकाल ली, BC निकाल ली, CD निकाल ली, अब क्या निकालेंगे DA, तो DA का निकालिए अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस 2 यानी कि +2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस माइनस +1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये -3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 45, कोई 3 रूट 5। ठीक है, तो अब आप देखिए कि AB जो दूरी थी वो किसके इक्वल आई है CD के। AB दूरी कितनी थी अंडर रूट 5, CD भी कितनी आई अंडर रूट 5, ये दो दूरियां बराबर आ गई, यानी जो AB डिस्टेंस है वो आपके CD के इक्वल आ गई। फिर BC अपनी कितनी थी 3 रूट 5 और DA कितनी थी 3 रूट 5, तो BC और AD ये दोनों भी कैसी आ गई इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल आ गई। तो अभी तो दोनों आमने सामने की भुजा बराबर हुई है, तो अभी तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ है, आयत के लिए तो हमारे पास विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक बार निकालेंगे AC और एक बार निकालेंगे BD, ये दो दूरियां और निकालनी पड़ेंगी आपको, यानी कि 6 दूरियां निकालने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। AC की दूरी निकालेंगे, तो A और C के बीच की दूरी निकाल रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस 2 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए कितना आ गया ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 यानी अंडर रूट में आ गया आपके पास 50। अब एक बार निकाल लीजिए क्या BD निकाल लीजिए, तो BD का फॉर्मूला लगाया अपन ने, BD में इसमें लगाइए x2 माइनस x1 4 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ देखिए जरा 4 और +1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ भी ये -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ रहा है अंडर रूट में 50। आपने देखा AC भी अपने पास अंडर रूट 50 आया, BD भी अपने पास अंडर रूट 50 आया, दोनों ही अंडर रूट 50 आए, यानी दोनों विकर्ण बराबर हो गए। जब दोनों विकर्ण बराबर हो गए इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि चारों, क्योंकि आमने सामने की भुजा तथा विकर्ण भी बराबर हैं, अतः यह एक आयत है। ठीक है, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। अब मैंने आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आप लोग अगर मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो उनके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। थैंक यू।